ऐसी चोरी कि 20,000 परिवारों को नहीं मिल रहा पानी। आप भी ये सुनकर हैरान जरूर हो जाएंगे। खबर भागलपुर की है, जहां एक चोर ने पंप हाउस का सप्लाई तार ही चुरा लिया, जिससे अब 20,000 परिवारों को पानी नहीं मिल पा रहा। जिले के भीकनपुर स्थित गुमटी नंबर 2 में लगभग 15 दिनों से पानी की सप्लाई रुकी हुई है। अब नगर निगम छोटे टैंकर भेज रहा है, लेकिन लोगों को इससे राहत नहीं मिल पा रही। पंप ऑपरेटर सदानंद ठाकुर बताते हैं कि लगभग 15 दिनों से ये पंप बंद है। वजह है कि पंप का सप्लाई तार ही चोरों ने चुरा लिया। इसके बाद नगर निगम को इसकी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी सप्लाई तार अभी तक जोड़ा नहीं गया, जिससे लाइन पूरी तरह से बाधित है और पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा नगर निगम के माध्यम से छोटा टैंकर भेजा जा रहा है, लेकिन वो कम पड़ रहा है। लाजमी है, इतनी बड़ी आबादी का छोटे टैंकर से कुछ नहीं होगा। लोग 2 डब्बे पानी भर पाते हैं, जिससे उनके घर का खाना बन पाता है। बाकी लोगों का रोजमर्रा के काम पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्या वजह मोटर बंद रहने का? बिजली जो है ना, चोर काट लिया गया से लेके बड़ा। कब से ये बड़ी परेशानी है? कितने लोगों का पानी जो है वो प्रभावित हो गया है? 25,000 आदमी का। उन लोगों को कैसे पानी मिल रहा होगा? वो जो है ना परेशानी कर रहा सर, हमको आगे कंप्लेंट कर रहा हूँ। 8 परसेंट तो बोले जल कर सका में बोले, फिर भी बोला कि ठीक हो जाएगा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो उन लोगों को कैसे पानी पहुंचता होगा? वो सब जो है सर ठेकेदार जो है टैंकर द्वारा पानी पहुँचाया जा रहा है। टैंकर से पानी पहुँचा रहा है, पाइप भी कहीं से काट लिया? हाँ जी, सामने में जो है पाइपिंग हो रहा, वो भी पाइप तोड़ दिया गया, पाइप भी टूट गया। आपका क्या नाम हुआ? श्री सदानंद। भीकनपुर के पास जाने पर रोड के किनारे लाइन में सिर्फ डब्बे ही डब्बे नजर आएंगे। डब्बों की लाइन इसीलिए ताकि लोगों का नंबर टैंकर आने से पहले ही लग जाए। जिसका डब्बा लाइन में आगे होगा, उसे पानी पहले मिल जाएगा, क्योंकि देर तक लाइन में खड़ा रहना काफी मुश्किल होता है। एक टैंकर के जरिए 15 परिवारों को भी सही से पानी नहीं मिल पाता है। सभी चाहते हैं कि 8 से 10 डब्बे पानी भरा जाए, जबकि मुश्किल से मुश्किल एक परिवार को 2 से 3 डब्बे पानी ही मिल रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने से पानी में क्या होने वाला है। लोगों का कहना है कि पानी को स्टोर करना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक दिन टैंकर नहीं आया तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम लोग यहाँ पे कितना दिक्कत होता है, यहाँ पानी का समस्या बहुत ज्यादा है। सबके पास अपना अपना बोरिंग नहीं है, हम लोग सप्लाई पर निर्भर थे, उसके बाद से अभी तक जोड़ा नहीं गया। ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी नगर निगम से भेजते हैं, पार्षद जी जो है भेजते रहते हैं, बीच बीच में समस्या होते, लेकिन इससे मसला हल नहीं होता। हम लोग और बढ़ा हुआ ये मसला, मतलब कितना कितना डब्बा देके लाइन में लगा हुआ था? ये डब्बा एक घंटे में ये 1,000 लीटर का टैंकर खाली हो जाएगा। डब्बा लाइन में लगा के डब्बा इसलिए लाइन में लगा रहे कि 2 दिन से झगड़ा मारपीट होने लगा, हम भरेंगे इसके सिस्टम को करने के लिए हम लोग लाइन लगा दिए। लाइन मतलब डब्बा लाइन में रखते हैं, हाँ, ताकि झगड़ा नहीं हो। एक घर में क्या है, एक घर वाला सोचता है कि 8 डब्बा लें, किसी में झगड़ा मारने लगता, 2-4 डब्बा एक घर वाले के लिए। यहाँ में 14-15 परिवार है, 15-16-60 डब्बा, उसमें पैसे खत्म हो गए। वहीं मामले को लेकर जब मेयर वसुंधरा लाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर बिजली विभाग को चिट्ठी लिखी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही इसमें तार जोड़ दिया जाएगा और लाइन सप्लाई ठीक होने के बाद परिवारों को पानी मिल जाएगा। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि जिनके पास बोरिंग है, वो बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे लोग अपना रोजमर्रा का काम कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दूसरे लोग भी कब तक पानी देंगे, क्योंकि उन लोगों का भी कहना है कि बिजली बिल लगता है, इसीलिए अगर जल्द से जल्द मोटर सही नहीं होती तो उन लोगों को भी काफी परेशानी होने वाली है। लोकल 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।